क्या आप भी अपने मोबाइल के कीबोर्ड का साउंड बंद करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड का साउंड कैसे बंद कर सकते हैं और उसका वाइब्रेशन कैसे बंद कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर हैं और जहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद जो कीबोर्ड होता है उसमें यहाँ पर आपको साउंड सुनाई देता है, तो वही कीबोर्ड में जो आता रहता है वाइब्रेशन के साथ साथ कीबोर्ड और वॉइस भी आती है, तो उसको यहाँ पर कैसे बंद करने वाले। चलिए मैं प्रेट क्लिक करके आपको मैं दिखा देता हूं। भी टाइप करूंगा तो आपको यहां पर देखिए कीबोर्ड में आवाज सुनाई देगी। जैसे मैं देखिए टाइप कर रहा हूं अभी, तो ये देखिए ये आवाज आ रही है जो इसमें चलती रहती है, और जो मोबाइल भी है वो भी वाइब्रेट करता रहता है। देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आवाज़ को भी बंद करना है, जो कीबोर्ड से साउंड आती है इसको भी बंद करना है, और जो वाइब्रेट करता रहता है वो भी हमें बंद करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सिंपली क्लिक करेंगे, देन इसके बाद नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका वाइब्रेट करता रहता है, जैसे कि आप कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं तो वाइब्रेशन को बंद करना है। तो इसके देखिए यहाँ पर लिखा है वाइब्रेशन टू, यहाँ पर लिखा है इस वाइब्रेट टू टच, तो इसको पहले आपको ऑफ कर देना है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर और भी बंद करना, जैसे कि टच साउंड, वो भी बंद कर सकते हैं। इसके अलावा डायल पैड टोन बंद करना चाहे तो वो भी बंद कर सकते हैं, लेकिन चलिए उसे इनेबल रहने देते हैं डायल पैड को। इसके बाद अब आप बात करते हैं कि कीबोर्ड के साउंड को बंद करने की, तो इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको यहां पर इस तरीके से आना है, और कीबोर्ड का जो साउंड बंद करना है तो ओरिजिनल सेटिंग में आपको सबसे पहले जाना होगा। इसके बाद देखिए यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड का, आप यहां पर क्लिक करेंगे, और ऊपर देखिए यहां पर करंट लिखा हुआ है, करंट कीबोर्ड मतलब जो गूगल है, जीबोर्ड है, तो इसके लिए यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली इसी के ऊपर आपको यहां पर देख लेना है, ये गूगल कीबोर्ड ही आपका होगा। इसके बाद देखिए नीचे ये जीबोर्ड लिखा है, आप यहां पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए आपके सामने ये सेटिंग्स आ जाएगी। अगर आप इस तरीके से सेटिंग्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मैं आपको सरल तरीका बता देता हूं। सबसे पहले जाएंगे अपने व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप में ही डायरेक्ट सेटिंग आपको ये देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए चलिए हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। जैसे देखिए व्हाट्सएप को मैंने ओपन किया, जो यहाँ पर ये टाइप लिखा हुआ है इसको चलिए सबसे पहले मैं हटा देता हूँ। जैसे इसे सब कुछ हटा देंगे, यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर देंगे, तो देखिए यहाँ सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा। आप सिंपली क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेम उसी पोजिशन पर, उसी सेटिंग्स पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि बंद करने की, तो देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड ऑन की प्रेस। आप जितनी बार की के ऊपर प्रेस करेंगे साउंड, तो उतनी बार ये साउंड करेगा, तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर हम नीचे देखिए कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है, वहां पर से वाइब्रेशन बंद कर सकते हैं, और जहां पर साउंड की प्रेस जो करने के बाद आपको कीबोर्ड में आवाज़ आ रही थी वो अब नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी आपको देखिए यहाँ पर कीबोर्ड में कोई भी साउंड आवाज़ सुनने को नहीं मिल रही होगी। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने कीबोर्ड के साउंड को बंद कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।